सुप्रभात बच्चों, कक्षा चार विषय हिंदी और आज हम देखने वाले हैं पाठ पे ग्रामर व्याकरण। हमने व्याकरण की शुरुआत आज से कर दी है। पाठ एक में हम देखने वाले हैं लिंग। लिंग क्या है? लिंग का मतलब है, लिंग का अर्थ है पहचान। जिस शब्द से पहचान होती है उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के हिंदी में दो प्रकार है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे कहते हैं स्त्रीलिंग, और जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे कहते हैं पुल्लिंग। तो हिंदी में लिंग के दो भेद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देखिए लिंग पाठ ए, इसमें हम देखने वाले लिंग शब्द का अर्थ है पहचान। हिंदी में दो लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो जैसे संसार में सजीव और निर्जीव ऐसे दो प्रकार होते हैं। संसार में सजीव और निर्जीव दो प्रकार है। सजीव में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना बड़ा आसान होता है, और निर्जीव जो वस्तुएं होती है उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भेद कैसे किया जाता है तो उस शब्द के हिंदी में उच्चारण से हमें पता चलता है या उसके अभ्यास से पता चलता है कि वह शब्द या वह वाक्य स्त्रीवाचक वाक्य है या पुरुष वर्ग वाक्य है या स्त्री वर्ग वाक्य है। देखिए तो पहला है पुरुष वर्ग वाक्य में कौन से आते हैं? चावल। चावल शब्द जो है पुरुषवाचक शब्द है। चावल बन चुके हैं पुरुष वर्ग पुल्लिंग। पहाड़ बहुत ऊंचा है यह पुरुष वर्ग में आएगा। इसके बाद इंजन चल रहा है यह भी पुरुष वर्ग में। इसके बाद प्रकाश, ये पुरुष जाति का बोध कराता है शब्द। प्रकाश फैल रहा है यह भी पुरुष वर्ग में आया। इसके बाद स्त्री वर्ग में कौन से वाक्य है? दाल। दाल जो शब्द है वो स्त्रीवाचक शब्द है। दाल बन गई है। नदी बहुत गहरी है। मोटर रुक गई है। रोशनी, रोशनी शब्द से ही पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। रोशनी फैल रही है। तो इस तरह से निर्जीव वस्तुओं के लिए हम जिस वस्तु का नाम लेते हैं या उच्चारण करते हैं या हिंदी में उसे सीखते हैं तो उच्चारण से पता चलता है या पुरुष वर्ग है या स्त्री वर्ग है, उस तरह से उन्हें भेद किया जाता है। अब हमने बोला कि हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हम उदाहरण देखेंगे। लड़का पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में लड़की। उसके बाद नाना यह पुल्लिंग शब्द है। भतीजा पुल्लिंग शब्द पुरुषवाचक। बालक, माली, शेर, चूहा ऐसे सारे शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द कौन से है? लड़की, नानी, भतीजी, बालिका, माली, शेर। देखिए लिंग का मतलब है पहचान। हिंदी में दो लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग की व्याख्या यह है कि जिस शब्द से हमें पता चलता है स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, और जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो हमारे संसार में सजीव निर्जीव ऐसे दो प्रकार है। सजीवों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानना बड़ा आसान होता है, और निर्जीव वस्तुओं में उनके उच्चारण से या हिंदी भाषा में उनके सीखने से हमें पता चलता है कि वह पुरुष वर्ग में है या स्त्री वर्ग में है। तो पुरुष वर्ग के उदाहरण हमने कौन से देखे? चावल बन चुके हैं, पहाड़ बहुत ऊंचा है, इंजन चल रहा है, प्रकाश फैल रहा है। स्त्री वर्ग में क्या आएगा? देखिए दाल बन गई है, नदी बहुत गहरी है, मोटर रुक गई है, रोशनी फैल रही है। पुल्लिंग शब्द देखेंगे। पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराने वाले लड़का, नाना, भतीजा, बालक, माली, शेर आदि और ऐसे कई सारे ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं आप लिख सकते हो। आप सूची बनाइए घर पे पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द की। अब स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लड़की, नानी, भतीजी, बालिका, माली, शेरनी, चाची, औरत कई सारे ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग शब्द में आएंगे। तो आज के पाठ
घोड़े का केलिंग का मतलब है पहचान, और इनके दो भेद हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और उनके कई सारे उदाहरण की सराह आपको घर पे करना है। आशा करती हूँ आपको लिंग व्यवहार अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे हम लिंग में जब लिंग परिवर्तन करते हैं तो उसमें कौन से प्रत्यय लगाकर किया जाता है वह सीखेंगे। आज के पाठ में बस इतना ही, आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इसका अच्छे से अनुसरण कीजिए। बच्चों कक्षा 4 विषय हिंदी, आज हम व्याकरण देखने वाले हैं पाठ 2 लिंग परिवर्तन। पाठ 1 में हमने लिंग क्या है, लिंग का मतलब पहचान, लिंग के दो भेद होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द स्त्रीलिंग शब्द होता है और पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग होता है। इस तरह से हमने लिंग के दो भेद जाने हैं। अब लिंग परिवर्तन मतलब जो शब्द दिया है, जैसे कि पुल्लिंग शब्द दिया है लड़का, तो उसका लिंग परिवर्तन करना है, उसे बदलना है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। लड़की शब्द क्या होगा, लड़की। तो हमें जब लिंग परिवर्तन हम करते हैं तो उसमें कई तरह के प्रत्यय लगाकर लिंग परिवर्तन होता है। तो कौन से प्रत्यय और किस तरह से लगते हैं तो वह हमें देखना है। तो चलो पहले देखते हैं कि ई जोड़ो पहला प्रत्यय क्या है, ई लगाकर। जैसे कि पहला शब्द है लड़का, तो लड़की, नाना नानी, बकरा बकरी, भतीजा भतीजी, ई जोड़कर यहाँ पे लिंग परिवर्तन किया गया है। उसके बाद दूसरा प्रत्यय क्या है, क्या जोड़ किया है, इका जोड़कर लिंग परिवर्तन किया गया है। जैसे कि बालक शब्द है तो उसका लिंग परिवर्तन बालिका, इका बालिका, लेखक लेखिका, इका लगा दिया है, गायक गायिका, अध्यापक अध्यापिका। मतलब ये जो सारे उदाहरण हम इका जोड़कर लिंग परिवर्तन किए हुए थे। इसके बाद प्रत्येक कौन सा है, इया जोड़कर लगाया लिंग परिवर्तन किया है इया। तो देखिए दीपा शब्द है, शब्द क्या है दीपा, तो उसका लिंग परिवर्तन दीपिया दिया दीपिया, मतलब इया जोड़ा है। बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, बंदर बंदरी या। इसके बाद इन जोड़ का जो लिंग परिवर्तन किए हैं वो देखिए, शब्द है माली माली इन माली, प्रत्यय क्या है इन माली, धोबी धोबी। उसके बाद है सुनार सुनारी, नाई नाई, इन लगाकर लिंग परिवर्तन किया गया है। इसके बाद है नी जोड़ पर लिंग परिवर्तन किया, नी जोड़ पर कौन से शब्द है, शे शेरनी नी जोड़ा है, सी सीहनी ऊंट ऊंटनी, उसके बाद मोर मोरनी नी जोड़ा।
इसके बाद और